हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मेरा यूट्यूब चैनल खोलना कैसे हुआ, क्यों मन किया। तो मैं आज मेरा ब्लॉगिंग का फर्स्ट डे है और मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मेरा यूट्यूब चैनल खोलने का कैसे मन किया। और तो हम लोग बस लिमिटेड नेट हुआ करता था तो उतना यूट्यूब खोलने का टाइम नहीं मिलता था। उसी में जो भी पढ़ाई व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टा में चला जाता था तो यूट्यूब वगैरह ज़्यादा नहीं देखते थे। जब हमारे पास जियो का सिम आया और हम लोग अनलिमिटेड नेट मिलता था, वो भी फ्री का मिलता था, एक दो साल तो फ्री जियो का सिम सब लोग यूज़ किया होगा। तो उस टाइम क्या होता था, सिर्फ यूट्यूब देखते थे। तो यूट्यूब पे ब्लॉगिंग स्टार्ट हुआ तो एक दो ब्लॉगिंग देखते थे तो इतना अच्छा लगता था, ब्लॉगिंग देखना बहुत अच्छा लगता था। फिर कुछ दिन पहले पापा को बोली कि पापा हमको ब्लॉगिंग करना है, पढ़ाई करनी है बट साथ में ब्लॉगिंग भी करनी है। तो पापा ने ब्लॉगिंग के लिए मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम्हें पढ़ाई करनी है। मैंने कहा हाँ वो ठीक है बट दोनों कर लूँगी। तो फिर पापा ने बोले कि नहीं नहीं शादी वादी करनी है। तो हम लोग के लिए सब बहुत बड़ी बात हो जाती है सोशल मीडिया पर लड़की अपने फोटो डालें वीडियोज डालें, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट पापा भी अपनी जगह सही थे, पापा मना कर दिए और मैं मान गई, मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर वो जो ब्लॉगिंग वाली बुद्ध थी ख़त्म हो गई, वहीं बंद हो गई। फिर ऐसे मैंने पढ़ाई वढ़ाई किया, मैंने बीएड किया है, मैंने सीटेट भी क्वालिफाई है, मैं एमएड कर रही हूँ। और मेरी शादी हो गई बट मेरी पढ़ाई कंटिन्यू है। तो मेरी शादी सडनली हो गई, शादी का कोई प्लानिंग नहीं था। मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था, सीटेट का एग्ज़ाम दे ली थी और सीटेट का एग्ज़ाम जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन मेरी शादी की डेट फिक्स होती थी सीटेट का, उस दिन सीटेट क्वालिफाई हो गया था। तो वहीं मतलब शादी सडनली हो गई थी, शादी की कोई प्लानिंग नहीं थी। पापा बोले कि एक साल या दो साल बाद करानी ही है और बड़ी हो ही गई हो, बीएड भी कंप्लीट हो गया, सीटेट भी सीटेट की जो एग्ज़ाम दी थी तो हमको लग गया था कि मैं सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम अच्छा गया था। और सबसे फिर यहाँ पे क्या था, ससुराल में पापा पूछे थे कि हमारी बेटी पढ़ना चाहती है, तो ससुराल वाले बोले थे कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जितना पड़ेगी उसको हम लोग इतना पढ़ाएंगे। तो पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी फिक्स हो गई। और जिस दिन मेरे सीटेट का रिजल्ट आउट हुआ था उस दिन मेरी शादी की डेट फिक्स हुई थी। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रोऊंगी हंसूं, मतलब शादी के लिए खुश थी बट लग रहा था कि बहुत जल्दी हो गया तो इसलिए खुश भी नहीं थी। और सीटेट रिजल्ट के लिए बहुत खुश थी कि हाँ फाइनली मेरा सीटेट क्लियर हो गया ऐसे करके। तो फिर गाइस मेरी शादी हो गई, मैंने इनसे कहा कि अपने पतिदेव से कहा कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है, तो फिर उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया और आज मेरा ब्लॉगिंग का फर्स्ट डे है। उसके बाद अभी मैं मायके आई हूँ, मेरा मायके भी बिहार में है लेकिन मेरे मम्मी पापा कोलकाता में रहते हैं, मैंने स्टडी भी कोलकाता से कर रखी है। तो मैं कोलकाता आई हूँ तो फिर यहाँ भी क्या होता था कि मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसा है कि तुम अब मायके गई हो तो तुमको तो कोई भी काम नहीं है और अभी तो एकदम फ्री हो तो तुम एक काम कर दो, तुम वहीं से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। तो मैंने कहा कि नहीं जी ऐसे यहाँ से क्या ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, जब आप साथ में रहोगे तब स्टार्ट करूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं छोटे छोटे वीडियो शूट करके हमको भेजो, हम यहीं से एडिट कर देंगे। मतलब यहाँ पर आने के बाद वो बोले, ससुराल में मैं चलाती थी कि मुझे ब्लॉगिंग करना है और यहाँ पर आके मायके जब आई तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ ब्लॉगिंग स्टार्ट करो और वीडियोज़ बना के भेजो और मैं एडिट किया करूँगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। तो गाइस आज मेरा ब्लॉगिंग का फर्स्ट डे है। फिर मैंने अपने भाई से भी परमिशन लिया, मेरा भाई मेरा वर्ल्ड बेस्ट ब्रदर है, मतलब मैं उसको दिल जान जहाँ से मानती हूँ बहुत मानती हूँ। तो जब हस्बैंड ने परमिशन दे दिया ब्लॉगिंग के लिए तो फिर मैंने अपने भाई से पूछा कि भाई मैं ब्लॉगिंग करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई बोला कि भैया बोला कि तुम्हारे ससुराल वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोले नहीं ससुराल वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सास भी बहुत अच्छी है, ससुर पापा भी बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड तो मेरी चीज़ों के लिए नहीं रोकते। तो भाई बोला कि भैया बोला कि ठीक है फिर जब ससुराल वाले को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम ब्लॉगिंग कर सकती हो। 5 मार्च को भाई की एंगेजमेंट है तो हम लोग जाने वाले हैं, तो भाई ने अपनी एंगेजमेंट की शॉपिंग कर रखी है, मैंने नहीं किया और मम्मी पापा नहीं करेंगे क्योंकि अभी मेरी 6 मंथ पहले शादी थी ना, कुछ दिन पहले शादी थी, मई में शादी थी मेरी। तो मम्मी पापा के पास शॉपिंग बहुत सारा किए थे उन लोगों ने क्योंकि मम्मी पापा को भी हर शादी में बेटी की शादी में मम्मी पापा को हर रस्म में नए नए कपड़े पहने होते हैं ना, हल्दी सगुन मेहंदी, मतलब मम्मी बेटी के साथ साथ मम्मी पापा को भी नए नए कपड़े पहने होते क्योंकि कन्यादान देना होता है। तो मम्मी पापा के पास ऐसे इनफ कपड़े हैं तो मम्मी पापा ने कहा कि एंगेजमेंट के लिए हम लोग कपड़े नहीं लेंगे लेकिन मैं लूँगी, मेरे पास भी इनफ है बट मैं भी लूँगी क्योंकि भाई की शादी बार बार नहीं होती, एक बार होती है, तो मैं भाई की शादी के लिए कपड़े दूँगी। तो आज मेरा ब्लॉगिंग का फर्स्ट डे है गाइस, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा।